सब्सक्राइब कीजिए टोटल हिंदी टेक्निकल को, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट और कंपोनेंट की जानकारी के लिए, वो भी हिंदी में, और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक छोटे से सर्किट की बात करेंगे। इसका नाम MCB है, इसको MCB बोलते हैं, और इसका अगर फुल फॉर्म आप करके देखें तो ये बनेगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, मेरे पास दो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, यानी MCB दो है। एक में तो दो MCB एक साथ जुड़ा हुआ है और एक में चार MCB एक साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये MCB सिंगल पोल में भी होता है, यानी जैसे अभी इस दो MCB की बात करते हैं, अभी चार MCB वाले को हम हटा देते हैं। तो इसका काम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मेनली होता है आपको सुरक्षा प्रदान करना। दोस्तों, MCB क्या करता है, MCB का काम होता है मेनली सेफ्टी प्रदान करना, आपको प्रोवाइड कराना सेफ्टी। तो ये क्या करता है, यहाँ पे दो MCB एक साथ जुड़ा हुआ है, यानी हम एक में न्यूट्रल देख सकते हैं और एक में फेज दे सकते हैं। तो एक में हम फेज देंगे और एक में न्यूट्रल देंगे। तो दोस्तों, क्या होगा, यहाँ पर देखिए आप, ये इस पर कनेक्शन किए जाते हैं। यहाँ पर आप, जैसे हमने इसको ओपन करके एक साइड में आपने वायर लगाया, जिधर से आपकी कनेक्शन यानी लाइट आ रही है वो हमेशा हम ऊपर से देते हैं। यहाँ देखिए, ये दो पोल आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो इधर हम फेज लगा देंगे और इधर हम न्यूट्रल लगा देंगे। तो उस कंडीशन में ये ऑफ है, फिलहाल ये ऑफ लिखा हुआ है। जब यहाँ पर आपने फेज लगा दिया, यहाँ पर न्यूट्रल लगा दिया, तो वो फेज और न्यूट्रल यहीं तक रहेगा जब तक ये ऑफ रहेगा। जैसे ही आपने इसको ऑन किया तो फेज और न्यूट्रल इधर यहाँ पर आ गया, और यहाँ से आप आउटपुट को कहीं पे भी, जहाँ भी आप यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका काम कैसे होता है, जैसे आपने यहाँ मेन लाइट को लगा दिया और आउटपुट आपको जब तक नहीं मिलेगा जब तक ये MCB ऑन नहीं होगा। दोस्तों, MCB फिक्स रेटिंग के होते हैं, जैसे इस पर आप देख रहे हैं C6 लिखा हुआ है, यानी 6 एम्पियर की MCB है, दो पोल की MCB है ये, और 6 एम्पियर की MCB है। तो इसका मतलब है, 6 एम्पियर से मतलब कि 6 एम्पियर तक आप इसमें कुछ भी लोड ले सकते हैं, ये बढ़िया तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर 6 एम्पियर, जैसे भी 7 एम्पियर हो गया, जैसे आपने कोई 7 एम्पियर का चीज़ यहाँ पर इसमें लगा दिया, और जैसे इसमें करंट आएगा, जैसे ही करंट आ गया, करंट अभी यहाँ तक है, अभी ऑफ कंडीशन में करंट यहाँ तक है और न्यूट्रल भी यहाँ तक है, जैसे आपने ऑन किया तो करंट तुरंत इधर आ जाएगा। और इधर आने से क्या है, क्योंकि ये 6 एम्पियर का MCB है और आपने करंट ले लिया 7 या 8 एम्पियर का, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही करंट आया तो ये तुरंत ऑफ हो जाएगा। इस तरह से जैसे ही आपने करंट ऑन किया है तो तुरंत ऑफ हो जाएगा, और आपका जो है सर्किट में करंट नहीं जाएगा और सर्किट सेफ हो जाएगा। और ये MCB तब तक ऐसा ही करते रहेगा जब तक आप 6 एम्पियर से कम करंट या 6 एम्पियर करंट नहीं करते। तो दोस्तों, दो पोल का MCB इस तरह से काम करता है। और दोस्तों, ये सिंगल पोल में भी आता है, ये यहाँ पर मेरे पास दो पोल का MCB एक साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप इसे बाज़ार में जाएं तो आप सिंगल पोल का भी ले सकते हैं, जिसको आप न्यूट्रल के लिए या फेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आपको कुछ इतना इस प्रकार का मिलेगा, ये देखिए, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। अब बात कर लेते हैं हम 4 पोल वाली MCB की। ये दोस्तों, इसमें 4 MCB एक साथ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ने से मतलब है ये इनका जो बटन है एक साथ जुड़ा हुआ है, नहीं तो ये आपको बाज़ार में एक एक MCB भी मिल जाएगा। देखिए, 4 पोल वाली MCB क्या होता है, इसको हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें 3 फेज और न्यूट्रल एक साथ यूज़ करना होता है। वैसे आप इसको सिंगल पोल में भी यूज़ कर सकते हैं, आप नीचे ये जहाँ पर आपने, यहाँ पर आप इनको शॉर्ट कर दीजिए आपस में, और ऊपर आप यहाँ से एक एक वायर आप आउटपुट में ले सकते हैं, या जैसे चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं बता देता हूँ, मैं इसको पहले ऑफ कर रहा हूँ, ये मैंने ऑफ कर दिया। तो देखिए, जैसे हमने नीचे इसमें इनपुट दिया, यानी सारी लाइट के जो कनेक्शन हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर हमने पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज और न्यूट्रल एक साथ दे दिए। तो जब तक हम इस MCB के ये बटन को ऑन नहीं करेंगे, ऐसे जब तक लाइट यहीं पर रहेगी, आगे नहीं जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एक पत्ती जुड़ा होता है। जैसे आपने बटन ऑन किया तो उस पत्ती पर ये जाके इधर वाला वायर ऐसे टच होता है, तो टच होने से करंट यहाँ से निकल के इधर चला जाएगा। तो
तो दोस्तों कुछ इस तरह से काम करता है। तो अभी बात करते हैं फेज की। हमने यहाँ पर चारों यानी तीनों फेज दे दिया और न्यूट्रल दे दिया। जब तक हम इसे ऑन नहीं करेंगे तो फेज और न्यूट्रल यहीं पर रहेगा, यहाँ पर आगे नहीं जाएगा। जैसे ही हमने इसको ऑन कर दिया तो फेज और न्यूट्रल निकल कर यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर से आपने जहाँ पर भी यूज़ करना है, जहाँ पर भी आपने सप्लाई ले जानी है यानी इलेक्ट्रिसिटी ले जानी है, तो आप वहाँ पर ले जा सकते हो, और न्यूट्रल भी यहाँ से यानी। और उस कंडीशन में ये बनाया क्यों गया, देखिए क्या होता है। अगर कोई ये 20 एम्पियर का ये MCB है, अगर दोस्तों 20 एम्पियर से ज़्यादा चीज़ आप इस पर चलाएंगे तो क्या होगा, जैसे आपने ऑन किया तो 20 एम्पियर से ज़्यादा हुआ तो ये तुरंत कट मार के ऑफ हो जाएगा, यानी जो आपके पीछे से सप्लाई आ रही हो वो यहीं पर रुक जाएगी और आगे पास नहीं होगी, और आपका सर्किट और आप दोनों सेफ रहेंगे। तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो दोस्तों एक फ़ायदा और होता है कि इससे करंट नहीं लग सकता आपको, क्योंकि पूरी सेफ्टी के साथ इसमें आप कनेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए ये पोल जो दे रखे हैं ये अंदर की साइड है, बाहर नहीं है। तो दोस्तों ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। और इधर आउटपुट में भी आप देख सकते हैं, इधर भी जो कनेक्शन आप करेंगे वो अंदर की साइड होंगे, और उससे किसी भी प्रकार का आपको झटका नहीं लगेगा, बस आपको सेफ्टी के साथ कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो दोस्तों MCB एक बहुत अच्छा सर्किट है, इसको आप अपने घर पर भी यूज़ कर सकते हो छोटे छोटे सर्किट्स के लिए। तो मेन सर्किट यानी मेन MCB का जो काम होता है वो होता है सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि अगर जितने रेटिंग कहते हैं एम्पियर्स की क्वांटिटी को, जैसे इसमें 20 एम्पियर की क्वांटिटी दे रखी है, 20 एम्पियर तक ये MCB बिल्कुल सही काम करेगा, जितना आपने इनपुट दिया है उतना आउटपुट ये निकाल देगा। लेकिन अगर 20 एम्पियर से ज़्यादा लोड ले रहे हो आप इस पर, यानी 25 एम्पियर का या 22 एम्पियर का लोड आप ले रहे हो 20 एम्पियर के MCB से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पर एक तरफ इनपुट दे रखा है और जैसे आपने ऑन किया तो आउटपुट जैसे ही निकला तुरंत ऑफ हो जाएगा, यानी आगे सप्लाई जाएगी ही नहीं। तो एक तरह से ये सेफ्टी का काम करेगा। तो दोस्तों यही MCB का काम है, और ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क भी करता है, और इसमें कई ब्रांड भी आते हैं, जैसे ये लीग्रांड का है और आप किसी भी ब्रांड को ले सकते हैं, जैसे सीमेंस के आ रहे हैं और हेवल्स के आ रहे हैं, सभी प्रकार के ब्रांड में आ रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट आपको यही करूँगा कि आप एक अच्छे ब्रांड का ये MCB लें, क्योंकि कुछ दिनों में MCB फेल हो जाते हैं, यानी इनके अंदर जो स्प्रिंग है या जो मटेरियल है वो जंग खा के या वो जल करके ब्लास्ट हो जाता है, और उस कंडीशन में MCB बेकार हो जाते हैं। तो ऐसा MCB ना ले जो बेकार कंपनी का हो और जो हल्का हो, क्योंकि इसमें दो ब्रांड आते हैं, दो तरह की क्वालिटी जाती है, एक होते हैं हल्के और एक होते हैं बढ़िया वाले भारी। तो मेरे पास जो है ये बढ़िया वाला है, इसमें देख सकते हैं आप मटेरियल भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लगा रखा है, ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और दोस्तों एक छोटी सी बात मैं बताने जाऊँगा, ये सर्किट में आप कैसे यूज़ करें, देखिए जैसे इसका जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है तो वहाँ पर आप कैसे लगाएंगे, उसके लगाने के लिए यहाँ पर ये लॉक दिया गया है, ये देखिए ये लॉक है, तो इनको आप ऊपर कीजिए ऐसे, ये स्क्रू ड्राइवर से ऊपर होंगे, ऐसे ऊपर कहेंगे आप, तो फिर इसको ऐसे पत्ती में यूं लगा दें, और इन लॉक को आपको अंदर करना है ऐसे। तो उससे क्या होगा, जैसे आपने लॉक अंदर किया, उससे ये जो लॉक के यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है ये पत्ती के अंदर घुस जाएगा और MCB आपका बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। तो इस तरह से आप इसको सर्किट में लगा सकते हैं। और एक छोटी सी बात मैं बताने जाऊंगा कि एक्सटेंशन बोर्ड में फिट करने से पहले आप इसके कनेक्शन कर लें, और दोस्तों कनेक्शन जब आप करेंगे तो ये ध्यान रखें कि ऑनलाइन कनेक्शन ना करें, क्योंकि इसमें शॉक लगने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो दोस्तों ऑनलाइन कनेक्शन ना करें, ऑफलाइन ही कनेक्शन करें, यानी कनेक्शन करने से पहले ये देख लें कि आपके लाइट ऑफ है या ऑन है। ऑन कंडीशन में कनेक्शन आप करेंगे तो उसमें आपको शॉक लगने का बहुत खतरा है। तो दोस्तों इसलिए जब भी आप कनेक्शन करें ऑफलाइन में ही कनेक्शन करें। एक दोस्तों छोटी सी जानकारी ये देनी चाहूँगा कि सिंगल पोल को आप एक फेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसको भी आप एक फेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये क्योंकि चार इसमें पोल हैं, आप चारों फेज पे अलग अलग फेज लगाकर न्यूट्रल लगाकर भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही फेज से चार जगह सप्लाई देनी चाहते हैं,
तब भी आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि एक फेज़ को आपको यहाँ पर सब में शॉर्ट करना पड़ेगा, यानी तीनों में, चाहे तो आप तीन फेज़ दे सकते हैं एक ही जगह, यानी एक फेज़ को तीन जगह शॉर्ट कर सकते हैं, न्यूट्रल को खाली छोड़ सकते हैं और फिर तीन जगह से आउटपुट ले सकते हैं और न्यूट्रल को डायरेक्ट ले सकते हैं। या फिर आप एक फेज़ यहाँ पर लगाइए, एक यहाँ पर, न्यूट्रल यहाँ पर, और अलग अलग आप ले सकते हैं आउटपुट। और दोस्तों सिंगल फेज़ आईसी में क्या करते हैं हम, ये सिंगल फेज़ एमसीबी है। तो दोस्तों सिंगल फेज़ एमसीबी में हम क्या करते हैं, एक में हम न्यूट्रल लगाते हैं, ये वाला न्यूट्रल, और एक में हम फेज़ लगाते हैं और उसी हिसाब से हम फिर आउटपुट ले लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो कि एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में मैंने आपको बताई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है उससे आप संतुष्ट हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई सवाल रह जाता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर आपने ये चीज़ इसमें नहीं बताया और इस चीज़ को आप प्लीज़ दोबारा बताएं, तो मैं आपको पूरी पूरी कोशिश करूँगा हर तरह की जानकारी देने की। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, लगता है कि मेरे द्वारा जानकारी दी गई से आप बिल्कुल संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ।